चलो लास्ट टॉपिक ये चैप्टर का, नॉट सिलेबस, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम ध्यान देखते हैं। ये टॉपिक में हमको पढ़ना है ऑडिट ऑफ डिविडेंड। कंपनी जो अपने डिविडेंड, कंपनी अपने जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ये इतना इजी काम नहीं है, बिकॉज इसके भी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब ये समझने के पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट पता होगा तो ही तो आप बताओगे ना डे ऑडिट क्या है। तो प्रॉफिट सिंपल लैंग्वेज में प्रॉफिट मींस रियलाइज प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? जो प्रॉफिट वाकई में कंपनी को रियलाइज हुआ है, बराबर है। इसकी ये डेफिनेशन देने वाली है यूनियन बैंक ऑफ इलाहाबाद, यूनियन बैंक ऑफ इलाहाबाद। ये सब जरूरत है मगर आपके एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हूं। दूसरा क्या बताया है? प्रॉफिट आर एज सर्टन बाय सेटिंग अगेंस्ट इनकम अर्न। यानी प्रॉफिट क्या है कि जो आपने इनकम कमाई है किसके सामने? कॉस्ट के सामने, उसको प्रॉफिट बोला जाता है। क्लियर? तो ये तुम्हारा हुआ प्रॉफिट के बारे में। अब जाते हैं अपने टॉपिक के बारे में, डिविजिबल प्रॉफिट क्या, क्योंकि तुम्हारे को तो ऑडिट ही करना है, मगर उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रॉफिट क्या है और डिविजिबल प्रॉफिट क्या, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, द टर्म डिविजिबल हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर। कंपनी एक्ट के अंदर इसके बारे में कोई भी डेफिनेशन डिफाइन नहीं है कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या है। सो इट इज नेसेसरी, इसीलिए बोला कि ये टिपिकल टॉपिक है, छोटा सा है मगर इंपॉर्टेंट है। सो इट इज नेसेसरी टू एसर्टेन द करेक्ट प्रॉफिट। तो आपको ये जानना जरूरी है कि करेक्ट प्रॉफिट क्या है बाय फॉलोइंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड 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 लीगल नॉर्म्स, जो आपके लीगल कानूनी नॉर्म्स है बिजनेस के, जिसको अपने रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बोलते हैं, बराबर, वेर एवर एप्लीकेबल। इन सिंपल वर्ड, अब मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूंगा, इन सिंपल वर्ड नेट डिविजिबल मींस ऑल टाइप ऑफ प्रॉफिट विच कैन बी लीगली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? ये सिंपल लैंग्वेज में हुआ। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो लीगली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, किसको? टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्लियर? ये तुम्हारा डेफिनेशन हुई, मगर इसके भी थोड़े आर्ग्यूमेंट्स है, क्रिटिसिज्म है, उसके बारे में भी हमको पढ़ना समझना जरूरी है। बेसिकली ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है मगर पढ़ना जरूरी है। द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट मे बी ऑब्जर्व। ये सब चीजों पर आपको ध्यान देना जरूरी है। कौन सी चीजों पर बताया गया है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड मींस नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? चोखा प्रॉफिट, चोखो नफो, आफ्टर मेकिंग ऑल टाइप ऑफ डिडक्शन, आफ्टर मेकिंग ऑल टाइप ऑफ डिडक्शन विच डायरेक्टर कैन कैन ड्यूली मेक। यानी जो जो आपको डिडक्शन प्रोविजन निकालना है उसके बाद जो निकलता है उसको डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है। तो ये सब चीज आपको समझना पढ़ना जरूरी है। क्लियर? समझ में आया? डिविजिबल प्रॉफिट, पॉइंट नंबर टू, डिविजिबल प्रॉफिट दूसरी लैंग्वेज में आर दोस प्रॉफिट विच आर अराइव्ड, जो मिले हैं अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, ऑल टाइप ऑफ
एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग, अब क्या क्या हो गया, तो इंक्लूडिंग टैक्स पेबल, जितना आपको टैक्स पे करना है वो सब देने के बाद जो बच जाता है वही आता है। अब एक और जो काम का पॉइंट है वो बहुत अच्छा है कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 123 ले डाउन क्या बताता है, दैट नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय द कंपनी एक्सेप्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट, एक्सेप्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग, अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन और एनी अमाउंट प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यानी बहुत बड़ा पॉइंट बताया कि कंपनी कोई भी जात का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती, किसमें से, आउट ऑफ द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट डेप्रिसिएशन से जनरेट हो रहा है या तो जो प्रॉफिट तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से आपको मिला हुआ है। तो ये सब चीजों पे आपको ध्यान देना जरूरी है, क्लियर। ये सब चीज आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ही है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाएंगे जो मेन टॉपिक है, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 फॉर डिविडेंड एंड What is the procedure for verification of dividend? अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, ये सब चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। प्रोसीजर फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ द कंपनी, पॉइंट नंबर वन, Examine the company memorandum and article of association to ascertain the right of different classes of shares. ये देखना पड़ेगा सबसे पहले तो कौन से classes of shares है और आपका memorandum और article आपको क्या इसकी rights provide कर रहा है। Point number two, confirm the profit of the appropriated for payment of dividend are distributed having regard to provision contained in section 123. If company proposed to pay dividend out of the past profit in reserve, then he has to see whether they have following the rules prescribed by the central government और ऑन द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट और नॉट, ये भी देखना। अगर कंपनी पास प्रॉफिट या पास रिजर्व से डिक्लेयर करना चाहती है तो सेक्शन 123 के मुताबिक हो रहा है कि नहीं। पॉइंट नंबर थ्री, इंस्पेक्ट द शेयर होल्डर मिनिट बुक टू वेरीफाई द अमाउंट डिविडेंड डिक्लेयर एंड कंफर्म दैट अमाउंट रिकमेंडेड बाय डायरेक्टर। ये भी इंस्पेक्शन किया जाएगा कि कितना डिक्लेयर हुआ है, कितना रिकमेंड किया गया था। पॉइंट नंबर फोर, चेक द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेएबल फ्रॉम द डिविडेंड अकाउंट। ये भी चेक करेगा डिविडेंड अकाउंट से कितना पेमेंट आपने डिविडेंड के तौर पे पे किया है, डिक्लेयर किया है। पॉइंट नंबर फाइव, चेक द नंबर्स ऑफ मेंबर्स एज एंटर इन द डिविडेंड रजिस्टर बाय द रेफरेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। ये भी देखना पड़ेगा ना कि 50,000 इक्विटी शेयर होल्डर है, 50,000 इक्विटी मगर तुम बता रहे तुमने 52,000 शेयर होल्डर को दिए थे, कहाँ से आया। पॉइंट नंबर सिक्स, चेक द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड विद डिविडेंड वॉरंट सरेंडर। सीधी बात, ये आप डिटेल में पढ़ोगे हायर स्टडीज में, एक कंपनी डिविडेंड पेड करती है तो उसके सामने डिविडेंड वॉरंट सरेंडर करना पड़ता है जिसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये सब चीज आपको बैलेंस के अंदर चेक करनी जरूरी है। नंबर फोर सेवन, एग्जामिन द डिविडेंड वॉरंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ पेमेंट year of payment and verify that payment is any provision contained in the article in matter of period of time, जरूरत नहीं है। Point number 8, according to section 123, ये बहुत काम का point है, it is compulsory for company
to transfer the total amount of dividend which remain unpaid or unclaimed within 30 days of declaration. कितने दिनों के अंदर? Declaration के 30 दिनों के अंदर. Clear? To a special bank account called unpaid dividend account of whatever company private. Okay, such हो. Such account to be opened only in scheduled bank. ये सब याद रखना है. कौन सी bank में account होना चाहिए? Scheduled bank में. And the transfer must be made within 7 days from the expiry of 30 days. Clear? Point number 9. In case of any money transfer to unpaid dividend account, amount of company remain unpaid or unclaimed for a period of 7 days from the transfer to investor education protection fund. बहुत बड़ी चीज है कि अगर कोई unpaid dividend unpaid रह जाता है या unclaimed रह जाता है 7 सालों तक, कितने सालों तक? 7 years, तो पूरा के पूरा पैसा investor education fund and protection fund के अंदर transfer कर दिया जाएगा. उसके बाद ये भी चेकअप कर किया जाएगा, एंश्योर द कंप्लायंस इन केस ऑफ डिविडेंड इज पेड इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट. ये भी चीज, अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं करा ना, कंपनी डिविडेंड पे कर रही, तो उसने कौन से स्टैंडर्ड, कौन से रूल्स को फॉलो किया है. क्लियर? ये तुम्हारा हुआ डिविडेंड. अब ये तुम्हारा दूसरा टाइप ऑफ डिविडेंड है जिसको अपने इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं. इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड मींस, ध्यान देना, मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, मटेरियल में नहीं है. इंटरिम डिविडेंड मींस डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड और पेड बिफोर फाइनल डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड के पहले, यार अपनी लैंग्वेज में दो जगल बिटवीन के बीच के दरमियान. क्लियर? जनरली Article of Association authorized the board of director to declare interim dividend. Article of Association ने इतना power दिया है कि board of director चाहे तो interim dividend declare कर सकते हैं. MCQ में आपको पूछ सकते हैं, तो आपको याद होना जरूरी है. तो देखो अपने material में से देखते हैं. A company may distribute its profit during the two annual general meeting. This means a company can declare dividend before the close of accounting year and finalizing of account. Board may from time to time pay to members such dividend as appear justified by the company. However, the term dividend include the interim dividend. Definition to dividend to includes can the interim dividend include हो जाता है. अब condition क्या है? The board of director may declare. देखो मैंने पहले ही बता दिया कि company में article of association इतना authorize किया है कि board of director interim dividend declare कर सकते हैं. The board of director may declare interim dividend. An amount of dividend, including interim dividend, shall be deposited in a separate bank account. Company का नाम आ separate bank account within 5 days. कितने दिनों के अंदर? 5 दिनों के अंदर. मगर कब से? From the date of declaration of dividend. जैसे company ने dividend declare करा, उसके 5 दिनों के अंदर उनको transfer कर देना पड़ेगा deposit. The amount of dividend including interim deposit shall be used for the payment. हमने जो पैसा, सेम चीज है कि जो पैसा आपने interim dividend के नाम पे अकाउंट में डाला है deposit, तो वो पैसा उसी जगह इस्तेमाल होना चाहिए. And the provision contained in section 123, 124, 125, 126, 127 shall be applied to any interim dividend. Clear? ये सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी है. अब इस पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पेनल्टी की बात है. पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड, जैसे अपना पढ़ा था 30 दिन की लिमिट है. देन स्टीफ बाय प्रिस्क्राइजिंग इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर, कितने साल की सजा हो सकती है? 2 साल. एंड 1000 एवरी डे फॉर विच डिफॉल्ट कंटिन्यू, जितने दिन डिफॉल्ट कंटिन्यू उतने दिन के 1000 रुपए बढ़ते जाएगी. उसके साथ साथ इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 18% है, जिसके साथ तुमको 18% इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा. तो ये तुम्हारा यूनिट 2 का टॉपिक नंबर 1, जिसमें 3 टॉपिक थे, शेयर कैपिटल ऑडिट करना, डिबेंचर ऑडिट करना और डिविडेंड ऑडिट करना. ये हमारा यहाँ पे अवर होता है. अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर 2 जाएंगे यूनिट 2 में, जो पूरा के पूरा इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है. ओके.